हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू ईयर की रीडिंग 2023। यस गाइस, 2023 आपका कैसा जाने वाला है, क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में, कैसे रहेंगे ये जो महीने हैं, ये दिन हैं, ये मिनट हैं, ये घंटे हैं, जो भी है आपकी लाइफ में, ये क्या कुछ लेके आएंगे, किस तरह से चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, उनको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, क्या होगा आपकी लाइफ में, अनप्रिडिक्टेबल है ना। तो चलिए इसको प्रिडिक्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, पेशेंसली इस रीडिंग को देखने हैं, क्योंकि मैं भी पेशेंसली कर रही हूँ, काफ़ी टाइम लगने वाला है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो थोड़ा टाइम निकाल के इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए रीडिंग में आपको बताती हूँ कैसे अपने लिए सिलेक्ट करना है। यहाँ पर व्यूवर्स, आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, कुछ लेटर्स हैं और राशिज़ हैं, है ना व्यूवर। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पाइल है, ये रीडिंग पिकअप आई रीडिंग होने वाली है, तो कैसे आपको अपने लिए सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने, यानी आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, कुछ लेटर्स हैं, कुछ राशिज हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, इस पाइल को आप नंबर के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेटर्स के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि मुझे इसके साथ में जाना चाहिए, ठीक है। मुझे सिलेक्ट विलेक्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ अपनी राशि के देखना, तो राशि के अकॉर्डिंग देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ इंट्यूशन से भी अपनी सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि मुझे कुछ और मैसेजेस भी मिलें, तो आप व्यूवर्स एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप राशि के अकॉर्डिंग देखो, आप नंबर्स के अकॉर्डिंग भी एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हो अगर आपको लगता है तो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 एंड 4, तो ये कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग व्यूवर्स यहाँ पर मैंने पाइल सिलेक्शन रखा है, ए बी सी एंड डी। आप लेटर्स के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप राशि के अकॉर्डिंग जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, पाइल नंबर 1 के लिए मैंने रखी हुई है राशि एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुलाएं, कुंभ राशि। पाइल नंबर 2 के साथ में जाता है फायर एलिमेंट, जिसके लिए राशि है विवर्स मेष सिंह धनु, यानी एरीज लियो सेजिटेरियस। पाइल नंबर 3 के साथ में विवर्स हमारे पास है वाटर एलिमेंट, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। पाइल नंबर 4 के साथ में है व्यूवर्स अर्थ एलिमेंट, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सबकी व्यूवर्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पे आप जाइए, अपनी राशि के अकॉर्डिंग या नंबर्स के अकॉर्डिंग या लेटर्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी पाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी पाइल को जाके आप देख सकते हैं। रीडिंग व्यूवर्स, अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको लगता है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो दिल खोल के व्यूवर्स लाइक करिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जिन लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, वो लोग एटलीस्ट मेरी मेहनत को पसंद तो करते हैं, है ना। तो व्यूवर चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, लेके ऊपर वाले का नाम, प्रभु का नाम, जिन भी डिवाइन में आपका फेथ है उनका नाम लीजिए और लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो आपके लिए व्यूवर्स लेटर था ए, नंबर है व्यूवर्स आपका 1 एंड व्यूवर्स राशि है आपके लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन तुलाएं, कुंभ राशि। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये मैं यहाँ पे यहाँ से हटा लेती हूँ, ओके ओके, नंबर 1 रख लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमने ये पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग की थी। ओके, कहाँ रखें इसको, ओके चलो यहाँ रखते हैं, ये भी फिसल रहा है ओके चलो यहीं रखा रहने देते इसे। तो सबसे पहले व्यूवर्स, मैं कार्ड निकाल रही हूँ पेशेंसली, आप देख सकते हैं कार्ड निकालते हुए, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ओके। डेक व्यूवर्स, अराउंड 15 डेक यूज होने वाले हैं, तो पेशेंस बनाए रखिएगा प्लीज़। एंजल्स, पाइल नंबर 1 के लिए हमें प्लीज़ गाइड करिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए 2023 कैसा जाने वाला है। ओके, सो लेट्स सी। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, वी हैव लवर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स बॉटम से हमारे पास है। ओके, सो लेट्स सी और क्या निकल के आता है आपके लिए। वी हैव जजमेंट, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, एम्प्रेस
बॉटम से हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ से भी वो वाला कार्ड भी ले लेते हैं जो हमने यहाँ से बॉटम से लिया था। ओके, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, ओके, कार्ड थोड़े से कंजेस्ट करने पड़ेंगे। सो पाइल नंबर वन, मैंने आपके कार्ड थोड़े से सिक्योर कर दिए यहाँ पे एक के ऊपर एक, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल सके। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए और क्या कहती है आपकी डेस्टिनी 2023 के लिए पाइल नंबर वन। ओके, सो प्लीज़ एंजल, प्लीज़ हमें बताइए इनकी डेस्टिनी में क्या है पाइल नंबर वन की। ओके, वी हैव कैप्रिकॉन एंड बॉटम से है वी हैव सन। ओके, यहाँ से भी ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड अस, प्लीज हेल्प अस, इनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, 2023 कैसा जाएगा पाइल नंबर वन का। ओके, सेट योरसेल्फ फ्री, लव लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग व्यूअर्स। बाकी कार्ड हम बाद में निकालते रहेंगे क्योंकि कार्ड बहुत सारे हैं, बहुत कुछ हमें देखना है 2023 के लिए। सो व्यूअर्स, चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर वन की आपके लिए यहाँ पे क्या निकल के आया। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ कि ये रीडिंग आपके लिए पूरे साल एप्लीकेबल रहने वाली है। इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे पूरे साल में 2023 के एंड डे तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अच्छा व्यूअर्स, मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि शुरुआती टाइम में ये जो साल आपका चलेगा, इसमें आपके कुछ नए कनेक्शन, कुछ नई चीज़ें आपके डेवलप हो सकती हैं, या फिर आप कुछ ऐसे कनेक्शन में जा सकते हैं जिसमें आपको, मतलब आपको अट्रैक्शन फील होगा, आपको आपको कंप्लीशन की एनर्जी आएगी, आपको लगेगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही हूँ या हो रहा हूँ। कुछ मतलब इमोशनल बैगेज जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं उनसे आप ओवरकम करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ विशेज हैं आपकी जो फुलफ़िल भी हो रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ये समवेयर व्यूअर्स एक नई शुरुआत ही होगी आपकी लाइफ में, जो नई शुरुआत है जिसको ले, चीज़ों को लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे एक ट्विस्ट भी मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो जिस भी लाइफ के जिस भी सेक्टर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपकी मैरिज है या फिर आपकी आप किसी कनेक्शन में जा रहे हैं, या फिर ये समथिंग व्यूअर्स, दिस इज़ न्यू कनेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाल फिलहाल आपका कोई नया कनेक्शन या तो आपने इस साल डेवलप किया है, आप उसे अभी रिसेंटली मिले हो, या फिर आप उसके साथ में कनेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ व्यूअर्स, आपके लाइफ में कुछ नए जॉब्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप लेके चलो, लेकिन आपको सम टाइम ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें मेरे हाथों से फिसल रही हैं, या फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, मैं इन चीज़ों को कैसे मैनेज करूं, कैसे क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हर एक इशू को आपको संभालना पड़ेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। चाहे आप कोई भी जॉब में जाएँ या कोई अपना नया काम शुरू करें, किसी की तरफ अट्रैक्शन बढ़े, आपका कोई आपका पर्सन आपकी लाइफ में आए, कुछ भी हो व्यूअर्स, तो ये आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा देगा आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे कि पहले तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, मैं एक कैद से रिलीज़ हुई, मुझे कैद से फ्रीडम मिला, मैं अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहा था, बहुत कुछ मेरी लाइफ में ऐसा था जिसको मैं इंजॉय कर पा रहा था या इंजॉय कर पा रही थी, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। लेकिन नो डाउट, जैसे कि ऐसा लग रहा है ना जजमेंट के साथ में, जैसे कि हाँ ये टाइम आ गया है रिलीज़ कर लेने का, ये टाइम आ गया है मुसीबतों से बाहर निकलने का, आपको ऐसा ही फील होगा व्यूअर्स। नो डाउट, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेकिन समटाइम व्यूअर्स, ऐसा भी मुझे यहाँ पे ट्विस्ट नज़र आ रहा है आपकी आपकी रिलेशनशिप के अंदर, या आपकी आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, या मैं आपके करियर की ही बात करूँ, नो डाउट आपको ऐसा लगेगा यार ये सब चीज़ें मेरे हाथ से फिसल गई, छूट गई, कुछ महीने तो अच्छा चला लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन व्यूअर्स, ये एक टाइम होगा, ये एक टाइम होगा जिसको आपको कहीं ना कहीं झेलना होगा, और उसी के बाद में आपकी खूबसूरत एक लाइफ शुरू होती है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ ये लव लाइफ में हो रहा है या आपकी मैरिज लाइफ में हो रहा है, ये हर एक आस्पेक्ट पे आपके ये आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। ये आस्पेक्ट व्यूअर्स आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम फ्रेम ही मुझे नज़र आ रहा है जो नो डाउट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हिलाएगा, थोड़ा सा शेकअप करेगा आपकी दुनिया को, आपको
आपको परेशानी में भी डालेगा, लेकिन उस परेशानी से जब आप निकलोगे ना तो उससे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया आपको देखने को मिलेगी। और यही सबसे खूबसूरत बात है 2023 की, क्योंकि आप में अगर मैं देखूं विवर्स, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट होने का कार्ड है, एक अच्छी अच्छी लाइफ का कार्ड है, एक अच्छी फैमिली का कार्ड है, एक खुशियों से अपनी ज़िंदगी को जीने का यहाँ पे एक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, किसी के लिए विवर्स यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि लव मैरिज हो सकती है विवर्स आपकी, या अगर आप जिस काम को करना चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर, आपका पैशन है कि नहीं मुझे बस ये काम करना है, मेरा इसमें दिल लगता है, मेरी ख्वाहिश है इस काम को करने की, ये मेरा करियर का ये गोल होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ कि आपका वो गोल आप अकम्प्लिश करने वाले हैं 2023 के अंदर। ठीक है, तो नई शुरुआत है व्यूवर्स यहाँ पे, और अगर देखा जाए तो आपको व्यूवर्स एक तरह से बोला जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू, कि अपने आप को व्यूवर्स अगर ऐसा मौका भी मिलता है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी व्यूवर्स, कोई कनेक्शन भी ऐसा होगा आपकी लाइफ में, हाल फिलहाल जो चल रहा है वो 2023 में से आपको 2023 में आपको उससे बाहर निकालेगा, ताकि आप अपने सोल पर्सन से मिल सको या सोल जर्नी को स्टार्ट कर सको। ठीक है, ऐसे ही नज़र आ रहा है, कुछ पुराने थॉट्स है, कुछ पुराने पैटर्न्स है, कुछ हैबिट्स है, कुछ नेगेटिव आपके आपके आसपास एनर्जी है, कुछ लोग हैं व्यूवर्स, उससे उनसे आप बाहर निकल रहे हो। और ये व्यूवर्स काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी लेगी रहेगी आपके लिए, जो आपको फ्री कर रही है, ताकि आप अपनी लाइफ को व्यूवर्स मतलब उस तरीके से जी सको जिस तरह से डिवाइन चाहते हैं आप। कहीं ना कहीं व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहे हो, आप किसी ऐसे पाथ पर चल रहे हो जो आपके लिए नहीं है। यस व्यूवर्स, यही है आपके लिए, कुछ ऐसे पाथ आपने अपनी लाइफ में पकड़ रखे जिस पे आप मेहनत पे मेहनत करते चले जा रहे हो, लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, दूसरे के लिए तड़प रहे हो, वेट कर रहे हो, अपने काम में एक्स्ट्रा बर्डन लेके चल रहे हो, प्रेशर लेके चल रहे हो, हर एक काम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही व्यूवर्स, ये आप समझो। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपने पाथ को चेंज करो, और यहीं पे मुझे आपके लिए टर्निंग पॉइंट 2023 नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में व्यूवर्स आपको वो ऊंची ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा, वो खुशियों को छूने का, वो जीने का, परमानेंटली जीने का मौका मिलेगा, जो आप अभी तक जिनसे आप वंचित हो, जिनको आप अभी तक टच भी नहीं कर पाए व्यूवर्स। यस, आपने अभी तक उन चीज़ों को टच भी नहीं किया है, क्योंकि आप गलत पाथ पे हो। अब आप कहोगे कि मैम सच में हम गलत पाथ पे हैं, तो यस आपका पाथ तो व्यूवर्स ये है, इसी के बाद में तो आपकी देखो जर्नी स्टार्ट हो रही है। उससे पहले कितनी आपको हिम्मत भी दिखानी पड़ रही है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ रहा है, कितने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको व्यूवर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपको मेहनत बहुत है, आपको हिम्मत बहुत जुटानी पड़ रही है हर एक चीज़ के लिए व्यूवर्स। और ये शुरुआती मुझे कुछ महीनों में ही नज़र आ रहा है कि ये फेज़ आप फेस करेंगे, कि आपको दुख भी होगा, आपको तकलीफ़ भी होगी, आप रोओगे भी, आप गिड़गड़ाओगे भी, लेकिन व्यूवर्स यहाँ पे डिवाइन ये आपसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआती फ़ेज़ है, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को सबसे पहले तो फ्री करो। अगर आप जितना मैनेज करने की कोशिश करोगे, जितना उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, चाहे वो कोई जॉब ही क्यों ना हो, कोई करियर की ही बात करूँ व्यूवर्स, कि आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती उसमें फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो, सब देखो ना यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, आप ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में एडजस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ में एडजस्ट कर रहे हो अपने आप को, आप उनके हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे हो, उनके हिसाब से खा रहे हो, उनके हिसाब से पी रहे हो, उनके हिसाब से सांसें भी ले रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। आपको व्यूवर्स विंग्स दिए जा रहे हैं ऊंची उड़ान भरने के लिए, लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए। मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि हाँ, अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अप्रैल का महीना कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, नो डाउट व्यूवर्स। अप्रैल से ही आपकी लाइफ की मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है। ये व्यूवर्स कि आपको अपना ट्रू सोलमेट भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में, कि समवेयर ये अप्रैल में मिलेगा आपको, या फिर आपको ये मिलेगा पर्सन ओके जुलाई में मिल सकता है कुछ लोगों के लिए। गाइज मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ, जुलाई की एनर्जी है, अप्रैल की एनर्जी गाइज मेरे पास है यहाँ पे, और मेरे पास अगस्त की एनर्जी काफ़ी अच्छी है व्यूवर्स आपके लिए तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपकी लाइफ में न्यू सर्किल इन्वॉल्व कर रही है। अगर मैं देखूं व्यूवर्स आपकी लाइफ में नो डाउट इस समय स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल व्यूवर्स कुछ महीने ही चल रहा है, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप एक कैद से रिलीज हो रहे हैं। सबसे पहले व्यूवर्स मुझे कैद पता क्यों लग रही है, क्योंकि आप एक कैद में ही हो,
आप अपनी लाइफ में कैद में ही हो, यही मुझे एहसास हो रहा है यहाँ पे। आप झटपटा रहे हो अपनी लाइफ में खुशियों को जीने के लिए, है ना, कुछ नया करने के लिए, अपनी अपनी लाइफ में एक्सपेंड करना है व्यूवर्स आपको, है ना, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं देखूँ व्यूवर्स आपकी 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 जो फैमिली लाइफ है, अगर इसमें आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे व्यूवर्स, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगस्त में आपको कुछ ऐसा मौका मिल सकता है जिनसे आपकी लाइफ में ये जो ये जो फेज़ है, ये आपको लगेगा कि इनसे आप बाहर निकल रहे हो, ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। हाँ, कुछ उसका जो उसका निकलने का जो तरीका होगा आपकी लाइफ में, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा हिलाए, आपको शेकअप करे, आपको 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 सिर्फ व्यूवर्स थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट को रखना होगा, और वही रखने से व्यूवर्स आपको यहाँ पे सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ पाइल नंबर वन की, मेहनत आप जो कर रहे हो ना, जो आप हार्डवर्क लगा रहे हो, जो आप ग्राउंडेड काम कर रहे हो, ठीक है, अपने हाथ से जो काम कर रहे हो, उनमें व्यूवर्स आपकी लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगी। ये बहुत अच्छी यहाँ पे बात है कि जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि ये ख़त्म हो रही हैं, उनमें आपको ग्रोथ 2023 में ही यहाँ पे नज़र आएगी। सन की गाइज एनर्जी न्यू ईयर व्यूवर्स आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया स्टार्ट करेगा, नई बिगनिंग, नए सर्किल आपकी लाइफ में मुझे इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप व्यूवर्स अपनी डेस्टिनी से इन्वॉल्व हो रहे हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। डेस्टिनी व्यूवर्स आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ देना चाहती है, ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले तो अपने आप को ओपन अप रखना है, अपनी स्पिरिट को ओपन अप रखना है, अपने स्पिरिट गाइड को आपको सुनना चाहिए, जो भी आपको साइन एंड सिंबल्स मिल रहे हैं उनको आपको सुनना चाहिए, ठीक है, और अपने पर्पस से आप अलाइन होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी का पर्पस मुझे पूरा हुआ था वह नज़र आ रहा है कि लाइफ का जो पर्पस है जिस पर आपको चलना है, वो आपकी लाइफ में आपको 2023 में ही मिल रहा है। मे बी आपने अब तक उन चीज़ों को फील ही नहीं किया है, ठीक है। ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स की करियर में अगर आपको देखूं मैं, तो आपको एक नई ऊंचाइयां छूते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर की बात अगर मैं व्यूवर्स यहाँ पे करूं, करियर में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी अबंडेंट एनर्जी है, जो जिसके पास में हर तरह की खुशी है, जो काइंड हार्टेड भी है, जो बहुत लोगों को समझती भी है, जो अबंडेंट पर्सन है, जिसके पास में अबंडेंस भी है, पैसे की भी है और दिल की भी अबंडेंस है, यानी दिल का सुकून भी है और पैसे को लेके भी सुकून है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ कि आपको वही मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो, है ना। आपने हमेशा से देखा जाए तो व्यूवर्स नेचर के साथ में जुड़ाव अपना हमेशा से महसूस किया है, और ये व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी का गार्डनिंग का जो हॉबी है, आप उसको भी कहीं ना कहीं परस्यू करोगे अपनी लाइफ में आगे। कुछ ऐसे कामों में भी मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को मे बी कोई ऐसा घर आप ले सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ों में व्यूवर्स आप जा सकते हो जिसमें आपको ये करने का मौका मिलेगा जो अब तक नहीं मिल पाया। किसी का कोई ख्वाब हो सकता है, ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या मेरा भाई ऐसा ख्वाब होगा, लेकिन हाँ मुझे नज़र आ रहा है लोगों का ख्वाब है कि मेरे पास भी ऐसा घर हो, मैं उसको ऐसे डेकोर करूं, मैं अपनी बालकनी को ऐसे डेकोर करूं, इतना सुंदर सा मैं अपना घर बनाऊं, उसमें चेयर रखूं शाम के समय पे, उसमें एक हाथ में कॉफ़ी का मग हो और मैं बैठ के चाय पीऊं, है ना। ये व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसको मैं इन्जॉय करूँ, उसको फुलफ़िल जी सकूँ, तो ये भी एक ड्रीम मुझे यहाँ पे फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल व्यूवर्स अगर देखा जाए तो ये जो ईयर है आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लेके आ रहा है। अगर व्यूवर्स यहाँ पे हम देखें बॉटम से, मेरे पास ये कार्ड है वीनस का, तो वीनस का व्यूवर्स कार्ड आना वो भी बॉटम से, वो आपको यही दिखाता है कि लाइफ में एक लग्जरी लाइफ आपको 2023 में मिलेगी, जिसमें आपकी किसी के साथ में शादी नज़र आ रही है। सबसे पहले तो एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ नज़र आ रही है, एक अबंडेंट कहते हैं ना अबंडेंस विद मनी, अबंडेंस भी यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी का करियर बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो सकता है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, नो डाउट। आपकी 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 खुद की बॉडी को आप जैसा देखना चाहते हो ना, अट्रैक्टिव देखना चाहते हो, वैसा भी गाइज मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप इन्वॉल्व हो रहे व्यूवर्स अपनी लाइफ को वैल्यूबल बनाने में। तो ये भी व्यूवर्स यहाँ पे चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको मिलने वाला है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है व्यूवर्स। लेकिन हाँ व्यूवर्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, इनका आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए व्यूवर्स कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, और भी बहुत कुछ निकल के आने वाला है 2023 के लिए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए 2023 के लिए इनकी आपके लिए क्या गाइड आपकी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, वी हैव एंग्जाइटी, ओके नो डाउट है, वो तो है ही। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड व्यूवर्स, देखो यहाँ पे आपके लिए देखो सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है।
आपके साथ में व्यूवर्स यहाँ पे मुझे किसी तरह का जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। जो जस्टिस आपको चाहिए ना, डिवाइन जस्टिस जो आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, वही जस्टिस आपको 2023 में मिलेगा। आप एक एंग्जाइटी से, एक प्रॉब्लम भरे समय से निकल के बाहर आ रहे हो, ये व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ मसले हैं व्यूवर्स, हो सकता है कुछ कोर्ट केसेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो जिनसे आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो भी आपको 2023 में मिलेगा। ठीक है, तो ये व्यूवर्स एक तरह से देखा जाए ना, आपको आपकी नई जर्नी को इनिशिएट करने के लिए प्रोवोक कर रहा है कि उठो और आगे बढ़ो। जो छूट रहा है उस पर रो मत, जो मिल रहा है उस पर खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो। और व्यूवर्स यही है, आपको देखो मेरी हंसी के पीछे व्यूवर्स वो देखो भावनाएं मेरी क्या है, कि आपको खुशी कितनी मिलने वाली है। आप उनकी तरफ आगे देख के अगर चलोगे व्यूवर्स, तो आपको ये खुशियाँ बहुत जल्दी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे, कहीं ना कहीं शोक मनाते रहोगे, जो आपके पास में नहीं है उसका अगर शोक मनाते रहोगे, तो ये आने वाली चीज़ों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जिस एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और वही आपकी सबसे तेजी से चीज़ें फुलफिल होती है। तो वही आपको यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है। नथिंग इज़ येट टू बी स्टोन, देखो कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, हर चीज़ मूवेबल है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जो मैं कह रही हूँ ना वही डिवाइन आपको कह रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइन भी व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो समय कभी एक सा नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत कुछ लाइफ में ऐसा होता है जो कि हमारे हाथ में नहीं होता, हम उनको मेनटेन करने की कोशिश चाहे जितनी भी कर लें, वो हमारे हाथों से वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिसल ही जाती है जो हमारे लिए नहीं होती हैं। हम उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे दिल लगा बैठते हैं, या उनके जाने का शोक मनाते हैं। उस व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी जॉब में ऐसे इन्वॉल्व हो गए हो, आपको लग रहा है किसी काम में ऐसे फंस गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं बस यही मेरी लाइफ है, और सडन वो चीज़ें आपसे अगर दूर होने लगती है, कोई तलवार आ जाए, सपोज करो कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो आपको एक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए बोल रहा है, और आपको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम हो गई, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन तो डिवाइन आपको खुद दे रहे हैं, ठीक है, आपको तो सिर्फ फेथ रखना है कि डिवाइन पे, अगर ये भी हो रहा है तो ये भी किसी अच्छे के लिए हो रहा है, और वही व्यूअर्स आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड अस, प्लीज हेल्प अस। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव जूम बी। ओके, सो एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए। ओके, मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखो, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में व्यूअर्स देखो जो टाइम चल रहा है ना, ये जो 2023 है ये मैनिफेस्टेशन टाइम है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने का टाइम है। यानी आपने अपने आसपास जो एक दायरा बना रखा है, सबसे पहले तो आप उससे निकल के बाहर आ रहे हो। आपके चेहरे पर क्या नज़र आता है, सिर्फ एक तरह से जैसे कि आप दुनिया को दिखाने के लिए खुश रहते हो, या फिर कुछ ऐसा सोचते रहते हो कि बस मेरी लाइफ में यही है वैसा ही है, आपने अपने आसपास एक एनर्जी गैदर कर रखी है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये जो आपके आसपास एक एनर्जी है, इससे आप रिलीज होते हुए मुझे 2023 में ही नज़र आ रहे हैं। किसी की लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पे मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि आह मेरी जॉब लग गई, मुझे यही जॉब चाहिए थी, मेरी शादी हो गई इसी पर्सन से जिससे मैंने प्यार किया, या फिर मुझे वो मुझे काम करने का मौका मिला जिसको मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी या चाह रहा था, है ना, वो इंजॉय कर रहे हो आप, है ना, वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे अगस्त का महीना व्यूअर्स फिर से मुझे यहाँ पे वही फील हो रहा है। अगस्त का महीना आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है आपके लिए। ओके ओके, सो लेट्स सी, मिलेंगे व्यूअर्स आपकी लाइफ में, जो ये स्टार्ट होगा ना ये अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छा टाइम जो मुझे यहाँ पे नज़र आया वो अप्रैल की एनर्जी थी, वाइब्रेशन थी, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो अप्रैल से आना स्टार्ट होंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव स्पेस, स्पेस की एनर्जी गाइस हमारे पास है। ओके, बॉटम से हमारे पास है चॉइसेस, यू हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस व्यूअर्स, आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, या फिर आपको ये कहें व्यूअर्स आपकी लाइफ में बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं। कहते हैं ना एक दरवाज़ा जब डिवाइन ब्लॉक करता है, या फिर एक दरवाज़ा हमारी लाइफ से बंद होता है, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं। यू आर नंबर वन,
ठीक है, आपकी जो पोजीशन है हैशटैग नंबर वन, हैशटैग मतलब ट्रेंड करना, ट्रेंड कर रहे हो व्यूवर्स आप अपनी लाइफ में, अपनी डेस्टिनी में, या फिर सोशल मीडिया पे किसी का बहुत अच्छा हैशटैग नंबर वन पे आप आ सकते हो, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ को कुछ ऐसा ही फील कर सकते हो कि मैं नंबर वन पे चल रहा हूँ, ट्रेंडिंग में चल रहा हूँ, या फिर मैं आपकी डेस्टिनी को आप ऐसा फील करोगे कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है ना, इसी ने मुझे एक लाइफ में नंबर वन बना दिया है ना। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके पास में। व्यूवर्स चॉइसेस बहुत हैं, ये भी कह सकते हैं कि आपको अपना अपने लाइफ में व्यूवर्स वो स्पेस क्रिएट करो, पुरानी एनर्जी को रिलीज़ करो। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ये है कि पुरानी एनर्जी को रिलीज़ करिए आप, ठीक है, कुछ जो आपके लिए वैल्यूबल नहीं है उसको हटा दो, एडजस्ट मत करो, अपने आप को फिट इन करने की कोशिश नहीं करना व्यूवर्स आपको, ठीक है। ओके, वी हैव वल्चर, और यहाँ पे मेरे पास जेट की एनर्जी गाइस यहाँ पे, ये आप स्टोन अपनी लाइफ में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 2023 के अंदर। जेट की एनर्जी गाइस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, कहते हैं ना वही आपके लिए अर्थ एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे निकल आ रही है, निकल के आई है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में रिसाइकल होने वाली हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ आप अपनी लाइफ में नए कहते हैं ना अपने मुकाम खुद बनाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई स्टोन सजेस्ट करो तो आपके लिए ये स्टोन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा व्यूअर्स, आप जेट की एनर्जी को आप अपने साथ में कैरी फॉरवर्ड करिए। और व्यूअर्स यहाँ पे देखो, एक ये जो गिद्ध है ना, इसकी गिद्ध की स्टोरी आपको पता है, सुनाती हूँ, चलो थोड़ा सुन लेना। एक एक टाइम ऐसा आता है गिद्ध की लाइफ में जब वो एक ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा जहाँ वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, ना वो उड़ सकता है, ना वो अपना शिकार खुद पकड़ सकता है, अगर पकड़ भी ले कोई उसे दे भी दे तो वो खा नहीं सकता, क्योंकि उसकी चोंच बड़ी हो जाती है, उसके पंजे बड़े हो जाते हैं, उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, वो उड़ नहीं सकता। तो ऐसे में उसके पास में सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, एक तो या तो वो जिस स्थिति में है वो ऐसा ही रहे, या वो स्ट्रगल करे अपनी लाइफ में। अगर सेम सिचुएशन को चुनता है तो वो मर जाएगा कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि भूखा रहेगा, उड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो मर जाएगा, है ना, सेम लाइफ को अप्लाई करता है तो। लेकिन वो अपनी लाइफ में एक चुनौती भरा रास्ता चुनता है, नया रास्ता चुनता है, ताकि अपनी लाइफ को नया किक स्टार्ट दे सके, नई तरह से अपनी लाइफ को जी सके, खुशियों के साथ में जी सके। तो इसमें व्यूअर्स होता क्या है कि गिद्ध अपनी सबसे पहले तो अपनी चोंच तोड़ता है, एक अकेले स्थान पे चला जाता है, ऊंचाई पे चला जाता है, वो कुछ दिन भूखा प्यासा रहता है, इसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं, चोंच तोड़ता है अपनी ताकि उसकी नई चोंच आए और वो अपने शिकार को खा सके। काफ़ी पेन होता है, पटक पटक के अपनी चोंच को तोड़ देता है, फिर नई चोंच आती है, फिर वो अपने पंजे निकालता है, पंजे तोड़ता है, घिस घिस के मार मार के पंजे तोड़ देता है, उसमें कितना दर्द होता होगा उसको सोच के देखो, लेकिन वो उसको भी बर्दाश्त करता है। फिर वो अपने अपने सारे के सारे पंख उखाड़ देता है ताकि नए पंख आएँ, कितना बर्दाश्त करता है पेन, है ना। तो व्यूअर्स ये आपको स्टोरी ये बताती है कि जब उस गिद्ध के नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, नए पंजे आते हैं, तो वो फिर से उड़ता है, आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, राजे की, ये जो राजे वाली ज़िंदगी होती है ना, ये किंग की तरह ज़िंदगी, कहते हैं गिद्ध को पक्षियों का राजा बोला जाता है, तो वो राजा की तरह फिर से अपनी ज़िंदगी जीता है और आने वाले 30 साल अपनी ज़िंदगी को फिर ऐसे ही जीता है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो यही आपके लिए कि आपको व्यूअर्स एक नई शुरुआत करने का मौका 2023 में मिलेगा, वही लाइफ रिन्यूअल की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अपने आप को ऐसे ही समझ रहे हो कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, अब मेरी लाइफ का डी एंड हो गया, खुशियों का डी एंड हो गया, अब इस एज में मैं आ गया, अब मुझे क्या करने का मौका मिलेगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे यही है आपके लिए मैसेज कि आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, बस आपको कुछ अपनी लाइफ में से ना रिलीज़ करना होगा, जो आपको दर्द तो देगा, आपको तकलीफ भी देगा, लेकिन वही आपके लिए दी बेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है व्यूअर्स आपके लिए ये, और ये आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ऐसा ही करना है कि देखो शुरुआत में दर्द होता है, तकलीफ होती है, कुछ अपना ही अपनी लाइफ से निकाल देना, अपना पार्ट एक अलग कर देना वो तकलीफ देह होता है, लेकिन आप उनसे निकल के ही अपनी लाइफ को दोबारा से जीत सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और भी व्यूअर चलिए मैं इकट्ठे कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए, आपको मेरी बातें बोर ना लग रही हूँ, आई होप लेक्चर नहीं है व्यूअर्स, लेकिन जो डिवाइन मैसेज पहुँचाना चाहते हैं बस मैं वही पहुँचाने की आपके लिए कोशिश कर रही हूँ। क्लेवर फिनिक्स की एनर्जी है यहाँ पे, प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड अस प्लीज हेल्प अस। ओके, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर, अबेंडेंस, ओके, ट्री विजडम,
ट्री के साथ में रिवर्स आपके लिए, नेचर के साथ में आपके लिए कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर आप लोग इम्पॉर्टेंट ये भी नज़र आ रहा है इसलिए क्योंकि आप लोग कनेक्ट हो गए, चाहे वो जिस भी तरह से हो नेचर से आप लोग कनेक्ट होते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है 2023 के लिए कि आपकी लाइफ में आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए, टफनेस से निकालने के लिए आपको कोई नया पर्सन मिल रहा है यहाँ पे, कोई नया फ्रेंड यहाँ पे मिल रहा है, कोई नई कनेक्शन यहाँ पे मिल रहे हैं और उसी से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स आपके लिए एक नया सर्कल हो रहा है, लोग आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, व्यूवर्स एंजल से हाथ बढ़ा रहे हैं, बस आपको उनकी तरफ ना आगे बढ़ना है, कदम आगे उठाना है, बस यहाँ पे ये मैसेज है। बोल्ड करेज एंड काली न्यू बिगनिंग, ओके बी स्ट्रांग, फिर से वही मैसेज, आपको स्ट्रांग बनना होगा, आपको हिम्मत दिखानी होगी लाइफ में आगे बढ़ने की। वही व्यूअर्स आपके लिए, आपसे यही तो मांगा जा रहा है, आप हिम्मत तो दिखाओ, आपसे मांगा क्या जा रहा है, डिवाइन आपसे चाहती क्या है, बस आप अपने अंदर वो हिम्मत दिखाओ कि आप इन चीज़ों से निकल सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, देर इज़ समथिंग बेटर, नए कनेक्शन है व्यूवर्स आपके लिए, नए रोमांटिक कनेक्शन है, ये कनेक्शन नहीं है जिसमें आप चल रहे हो व्यूवर्स, उसको लेट गो कर दो, जो आपकी लाइफ में अभी है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, चाहे वो कनेक्शन है, चाहे वो कुछ भी आपकी लाइफ में, चाहे वो जो भी है जो आपको रोकता है लाइफ में आगे बढ़ने से, तो उससे आपको व्यूवर्स ओवरकम करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। हिम्मत दिखाने व्यूवर्स आपको ही है, आपको उसको लेट गो करना होगा, पेन होगा नो डाउट, लेकिन आपको लेट गो करना होगा। एक मैंने डेक और देखा था आपकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए, कहाँ गया ये रहा, ओके वो देख लेते हैं, इसमें आपको कहाँ पे तरक्की मिलेगी, कहाँ पे क्या करना है आपको वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, कहाँ पे इन्हें वर्क करना है, कहाँ पे इन्हें फोकस करना है, ये क्या ओवरकम करेंगे ये। वी हैव हेयर, ओके हैंड्स एंड मेल प्रिंसिपल, आपके अंदर व्यूवर्स एक मेल एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आपको व्यूवर्स देखो यहाँ पे हेल्थ में भी यही है कि आपको वही फीलिंग आएगी अपने अंदर से, या फिर ये कहें व्यूवर्स आपके अंदर आपको ये चीज़ें डेवलप भी करनी होंगी। ठीक है, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक 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 टेंडेंसी भी आपके लिए व्यूवर्स, आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, इस तरह के कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस आप अपने अंदर से महसूस करेंगे, या फिर ये आपको लाने भी होंगे व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे व्यूवर्स ऐसे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हो जाएंगे, तो अपने हाथों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, या फिर अपने मतलब अपनी फिज़िकल बॉडी पे बहुत ज़्यादा वर्क करो, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि अपनी बॉडी को मेनटेन करो। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है क्योंकि आपको काम बहुत करना है, देखो बहुत कुछ मैनेज करना होगा, तो अपने खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखना होगा, किसी के हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और इसमें फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हेयर की जो प्रॉब्लम उससे आप ओवरकम करेंगे। और अगर व्यूवर्स कुछ हाथों में प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ हो जाता है, कभी गठिया हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ लोग थोड़ी ओल्डर एज में आके ये हो जाता है प्रॉब्लम, तो इनसे भी आपको बोला जा रहा है व्यूवर्स कि आप थोड़ा सा ना एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप इन चीज़ों से ओवरकम कर सको। थोड़े काम करो, कुछ बुनाई वाला काम करो व्यूवर्स, ठीक है, जो जिसे बुनते हैं ना, तो ये उंगलियां बहुत अच्छे से चलती हैं, तो इससे भी बहुत अच्छे से आपको मदद मिलेगी अपनी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा व्यूवर्स आप लोग कर सकते हो। सो व्यूवर्स, पाइल नंबर वन ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपका ये जो सारी यहाँ पे मैसेजेस निकल के आए हैं, गाइडेंस निकल के आई है, आप इनको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और अपनी इस जर्नी को खूबसूरत बनाएंगे, 2023 को बहुत अच्छे से जिएंगे, और अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें आपको मिल रही है ना, इनको ये साथ में आप आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ देखो कितनी खूबसूरत हो जाएगी, है ना। सो व्यूवर्स, ऑल द बेस्ट फॉर 2023, आई होप आपके लिए ये साल बहुत खूबसूरत रहे, बहुत खुशियों भरा रहे, और अपनी लाइफ को आप अच्छे से जी सको। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर टू। तो जिन्होंने भी व्यूवर्स अपने लिए चुना है बी एरीज लियो सैजिटेरियस राशि या टू नंबर को, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो एरीज लियो सैजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देखते हैं नेक्स्ट ईयर आपका कैसे जाने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा, क्या एडवाइजेस, क्या गाइडेंस रहेंगी आपके लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस, प्लीज़ हेल्प अस। पाइल नंबर टू एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताइए इनके लिए नेक्स्ट ईयर 2022 कैसा जाने वाला है। ओके, सो लेट्स सी। So we have the world, we have nine of cups,
फोर ऑफ पेंटिकल, वी हैव स्ट्रेंथ, ओके, फोर ऑफ वैंड्स एंड रिवर्स मेरे पास है हाई प्रिस्टेस। बॉटम से हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ओके ओके व्यूअर्स। सो देखते हैं और क्या है आपके लिए नेक्स्ट ईयर में। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर टू एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए प्लीज़ गाइड करिए। ओके यहाँ एक कार्ड अनफोल्ड फोल्ड हुआ था। ओके सो वी हैव अगेन वर्ल्ड, ओके वी हैव हैरियोफेंट, किंग ऑफ वैंड्स दो बार हो गया, मून, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ओके बॉटम से है टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। पाइल नंबर टू के लिए प्लीज एंजल्स हमें कार्ड दीजिए नेक्स्ट ईयर इनका कैसे जाने वाला है। ओके सो वी हैव वी हैव सरेंडर, बिलीव इन द पॉसिबल। पाइल नंबर टू वी हैव यिन यंग एनर्जी एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके वी हैव जर्नी। ओके व्यूअर्स सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ पाइल नंबर टू आपकी लाइफ व्यूअर्स, ये जो है सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास वर्ल्ड के कार्ड बहुत आए हैं। लाइफ में व्यूअर्स आपके काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन चेंजेस व्यूअर्स जो आ रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे आपकी लाइफ में सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों की व्यूअर्स यहाँ पे एक जर्नी स्टार्ट होने वाली, एक स्पिरिचुअल जर्नी। काफ़ी ज़्यादा मुझे आप लोग इंट्यूटिव नज़र आ रहे हो, कुछ लोग या तो इस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो या फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं आप लोग हीलर हो या फिर आप लोग इस तरह से काम करते हो, लोगों को हील करने का काम करते हो, मोटिवेटर हो सकते हो। ये व्यूअर्स आपकी एक मुझे स्पेशलिटी यहाँ पे नज़र आई। अगर मैं देखूँ व्यूअर्स तो आपकी लाइफ में बहुत सारे काम आपके नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पर कम्प्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, काम कम्प्लीट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि आप लोग अपने काम को इन्जॉय भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बर्डन वाला काम है, ये भी व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं देखूँ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो पहले लेके चल रहे थे वो एक बर्डन की तरह लेके चल रहे थे, लेकिन जो काम व्यूअर्स आपके हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं या फिर जो आपको सक्सेस चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही, जिसको लेके आप ओवर बर्डन फील कर रहे हो, तो उनसे सबसे पहले मुझे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो मुझे नेक्स्ट ईयर के अंदर, ये भी गाइज यहाँ पे एनर्जी है। आप अपने दोनों ही एस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ, करियर एस्पेक्ट है या फिर आपका रिलेशनशिप एस्पेक्ट है व्यूअर्स, वो मुझे यहाँ पे हर तरह की खुशी अबंडेंस मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पास में पैसा भी अच्छा खासा है, क्योंकि गाइज यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सेविंग भी हो रही है। ये नहीं कि आपके पास पैसा आ रहा है तो चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं, कुछ व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कुछ आप अपनी लाइफ में सेव करोगे, सेविंग आपकी हो जाएगी, कुछ आप प्रीशियस बना सकते हो अपना अपनी लाइफ के अंदर, कुछ अपना अर्न कर सकते हो, ठीक है। अपने अपने कामों से ही होगा, ये नहीं है कि आपको अपने कहीं से गड़ा खजाना मिल रहा है, ऐसा तो नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन आप अपने कामों के बल पर ही कहीं ना कहीं अपने अपनी डेस्टिनी को चेंज कर रहे हो, या फिर ये कहें कि व्यूअर्स आपको काम में ही इतनी सक्सेस मिल रही है कि आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होती मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अगर देखें व्यूअर्स आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी कहीं ना कहीं फील हो रही है, आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो। अच्छा व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ
जैसे कि कोई कोई सर्किल है वीवर जो आपका कंप्लीट होने वाला, मे बी आपको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये काम नहीं हो पा रहे हैं, या तो उसमें आपको पहल करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। समवेयर व्यूअर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है, आप लोग वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हो, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका लैकिंग आप करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो इनसे व्यूअर्स आपके लिए ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट मूव आपको लेना है, ठीक है, पहला स्टेप लो, बाकी डिवाइन इसमें आपकी कहीं ना कहीं मदद करने वाली है। अच्छा, कुछ पर्सनल इश्यूज आपकी लाइफ में हो सकते हैं व्यूअर्स, कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो फैमिली या प्रोस्पेक्टिव से हो, या आपके कुछ अपने फैमिली से अलग हट के भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप दूसरों से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको उनको बता नहीं पा रहे हो, समवेयर अपने आप में ही कहीं ना कहीं सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिशें करते रहते हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपको आपको ये जो सोल्यूशन चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो चीज़ें चाहिए वो आपको इस जर्नी में मुझे मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, 2022 की जर्नी है। अच्छा व्यूअर्स, कुछ लोग मुझे ऐसे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जैसे कि एक तरह के गिल्ट से या फिर किसी बर्डन से आप लोग ओवरकम कर रहे हो। मून की गाइज एनर्जी यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ में कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है जो आपको ये बताती है कि आप या तो कुछ कन्फेस नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। आपको मे भी हो सकता है कुछ कुछ बातें आपकी लाइफ में ऐसी हो चुकी हैं, कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ घट चुका है जिसको सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, ठीक है, कुछ गाइज ऐसा है जो आप जिनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में व्यूअर्स सबसे पहले तो ये जो सरेंडर वाला आप मोड लेके चल रहे हो ना, कि डिवाइन को आपने सरेंडर किया है, या फिर आप जो मुझे यहाँ पे जो हीलिंग वाली एनर्जी नज़र आई, तो आपकी लाइफ में व्यूअर्स मुझे हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, तो हीलिंग हो रही है, आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पे मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, जो आपका एक एक कनेक्शन है व्यूअर्स, अगर ये सोलमेट कनेक्शन की जर्नी में आप लोग हो, तो ये व्यूअर्स सोलमेट का जो एक यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पर्सन है सिर्फ आपका लवर हो सकता है, ये व्यूअर्स कोई भी पर्सन हो सकता है, एक ऐसी सोल आपके साथ में मुझे यहाँ पे कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही है जो आपको अपने अपनी लाइफ में जो ये नेगेटिविटी है इनसे बाहर निकालेगी, ठीक है। तो इसी जर्नी में ये जो साल है व्यूअर्स आपका, ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, इसमें आपकी आपके जो सोल कनेक्शंस है ना, जिन लोगों के साथ में ये कभी रहे होंगे किसी जर्नी में किसी लाइफ में, तो उनसे आप जुड़ रहे हो, जिससे आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम वाला आस्पेक्ट है इससे आप बाहर निकलोगे, खुशी को अचीव कर पाओगे, खुशियाँ सेलिब्रेट कर पाओगे, वो जो खुशी आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं दूर है वो आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है। बड़ी सक्सेस व्यूअर्स यहाँ पे सबसे पहले मुझे नज़र आ रही है, किसी का बहुत बड़ा काम जो रुका हुआ है वो पूरा हो जाएगा, किसी की लाइफ में व्यूअर्स कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी शादी नहीं हो पा रही है बहुत टाइम से, तो शादी हो जाएगी यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, शादी है, काम बन रहा है, घर बन रहा है, यस किसी का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि घर भी बन रहा है, ठीक है, मे बी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है, ऑलरेडी आपके पास में एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे प्रॉपर्टी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है, मे बी आप कोई सेकेंड प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो या फिर थर्ड प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, लेकिन हाँ ये है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मे बी आप इसे बहुत टाइम से चाहते थे, ये भी मुझे गाइज ऐसा नज़र आ रहा है, वो भी काम आपका यहाँ पे अकम्प्लिश होता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। जो इम्पॉसिबल लग रहे हैं टास्क व्यूअर्स आपको आज की डेट में, वो आपको जब पूरे होंगे ना, तो आपको वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बहुत ईजिली नज़र आएंगे। तो कुछ चीज़ें व्यूअर्स आपकी लाइफ में ऐसी ही हो रही हैं जो आपको अभी बहुत बहुत जिनके बारे में सोच सोच के आप टेंशन लेते हो ना, वही व्यूअर्स आपके ऐसे पूरे होंगे कि आप इतने खुश हो जाओगे, हरी फेंट वाली एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। आप व्यूअर्स मुझे एक तरह से जैसे कि डिवाइन गाइडेड पर्सन नज़र आ रहे हैं, जैसे डिवाइन ही उसको रास्ता दिखा रही है, वो गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उस पाथ पे चल के व्यूअर्स आपको ये अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं, अगर व्यूअर्स देखा जाए तो अगर कुछ लोग जो अपनी लाइफ में करियर को लेके सोच रहे हैं ना, करियर में भी व्यूअर्स यहाँ पे कि सितारा चमकने वाला बस आपका, बस लेकिन काम करना पड़ेगा, बदलना आपको खुद पड़ेगा अपनी लाइफ को, ठीक है। डेस्टिनी में तो बहुत कुछ है, लेकिन डेस्टिनी में ये है कि भाई पहला एक्शन फर्स्ट स्टेप आप ले लो, है ना। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रेंडशिप, मैंने बोला ना सोल कनेक्शन है यहाँ पे, आप लोगों के सोल कनेक्शन बनते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके, सोल कनेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ बदल रही है, सरेंडर करना है कहीं ना कहीं आपको, डिवाइन को, डिवाइन पाथ पे बिलीव रखना है व्यूअर्स आपको, यहाँ पे ये भी है
बस जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, इस बात पे अगर आप बिलीव करोगे ना तो सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। बस जो आपकी इंट्यूशन का है ना वो काम आप करते रहो, जो आपको पाथ मिलता है चाहे किसी से मिलता है। हीलर व्यूवर्स, यहाँ पे अगेन मेरे पास एनर्जी है, आप लोग एक ऐसे ही पर्सन हो जो कि चैनलिंग का काम कर रहे हो, हीलिंग का काम कर रहे हो, ठीक है। लोगों को भी कहीं ना कहीं आप गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। और फिर से व्यूवर्स मेरे पास वही एनर्जी है, टेक अ फर्स्ट मूव। आपके लिए व्यूवर्स यही एनर्जी है कि आप लोग फर्स्ट मूव लो अपनी लाइफ में। मे भी हो सकता है आपको इस फील्ड में आना या फिर ये काम करना व्यूवर्स कहीं ना कहीं आपको डराता है, आपको लगता होगा कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, है ना। समटाइम ऐसा भी लगता होगा कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, मैं इस फील्ड के लिए नहीं हूँ, या फिर जो मैं लोगों से बात भी करती हूँ या करता हूँ तो जस्ट एज ए, ये तो मेरे अंदर खुद से पहले से ही है तो मुझे नज़र आ रहा। चाहे आप इस फील्ड में आओ ना आओ व्यूवर्स, या फिर कहते हैं ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हो, चाहे वो मे भी हो सकता है व्यूवर्स कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कुछ ऐसी फील्ड हो सकती है जैसे कि जस्ट लाइक ए टीचर, और टीचर मोटिवेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, या फिर मोटिवेशन करने वाले, लोगों को गाइड करने वाले, जस्ट लाइक वकील जो गाइज एनर्जी होती है वो भी कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना काउंसलिंग करते हैं, गाइड्स देते हैं, आपको परेशानी से बाहर निकालते हैं। नर्सिंग का काम होना, डॉक्टर का काम होना, तो ये कुछ प्रोफेशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में व्यूवर्स आप लोग कर रहे हो या उनको परस्यू कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। तो कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो वी हैव हिमिंग वर्ड की एनर्जी है गाइज मेरे पास, और ये व्यूवर्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप लोग कनेक्ट हो रहे हो राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे ये व्यूवर्स ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको व्यूवर्स अपनी लाइफ के उन आस्पेक्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है जिनको आप निगलेक्ट कर रहे हो या जिन पे कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो, सही फोकस नहीं है, आपका फोकस बिगड़ रहा है, ठीक है। तो व्यूवर्स आपको उन पे फोकस करना होगा, अपने अपने कहीं ना कहीं आपको व्यूवर्स अपने आसपास के लोगों पे भी ध्यान देना होगा कि आप किस तरह के लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। ये भी व्यूवर्स आपके लिए एक तरह की वार्निंग है कि आप जिस तरह के लोगों से कनेक्ट हो ना उस तरह की एनर्जी आपको मिलेगी, या फिर कहते हैं ना वो लोग आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे। तो मुझे यहाँ पे आपका सोशल सर्किल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों से कनेक्ट होते भी मुझे यहाँ पर आप लोग नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पे व्यूवर्स आपका एक कहते ना कि आप लोग बदल रहे हो, जो कहीं ना कहीं आप लोग शाइनेस में थे, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा शाई हो, अपने दिल की बातों को लोगों से ना कहते हो। अब व्यूवर्स आपको ऐसा माहौल मिलने वाला कि आप बहुत ज़्यादा बातों नहीं हो जाओगे, बातें करने लगोगे, लोगों से कनेक्ट होने लगोगे, ये एक पैशन बन जाएगा आपका बातें करना भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो बिलीव इन द इम्पॉसिबल की एनर्जी का इधर है ना, जो बिलीव नहीं कर रहे हो कि लग रहा है यार ये तो चीज़ें है ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो बहुत शाई हूँ, मैं तो लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करती, कुछ कहना भी पसंद नहीं करता, मैं तो अपने आप में ही रहता हूँ, तो ये भी चीज़ें बदल जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और व्यूवर्स यहाँ पे इन्फिनाइट की एनर्जी है गाइस, यहाँ पे ये स्टोन है, ये आप इसको बाय कर लेना अगर आपको मिलता है तो। और ये व्यूवर्स आपके अंदर वो करेज लेके आएगा, वो कहते हैं ना उत्साह, जिंदगी को जीने का जज्बा आपके अंदर ये कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा, आपको शाइनेस से बाहर निकालेगा, आपको वो करने की हिम्मत देगा जो आपके अंदर नहीं है, ठीक है। आपका फोकस बढ़ाएगा ये जो क्रिस्टल है, ये आपको क्लैरिटी देगा, अवेयरनेस देगा लाइफ में, आपको एक्टिव बनाएगा, आपको आपके अंदर जो हीलिंग क्वालिटी है उसको डेवलप करेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करेगा। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इसका, इस क्रिस्टल की। और फिर से मेरे पास बटरफ्लाई की एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की गाइज, आपकी लाइफ बदल जाएगी यहाँ पर, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट ईयर व्यूवर्स काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए मुझे यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बी रेडी व्यूवर्स, बी स्ट्रांग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला है कि बस सबसे पहले अपने जोन से बाहर निकलो। ओके, हमारे पास ये दो कार्ड हैं, ये भी ले लेते हैं हम। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाला है, क्या बात है, ठीक है। आपको यूनिवर्स बहुत कुछ देने वाला, देखो यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है। ये व्यूवर्स अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखोगे ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन व्यूवर्स आपसे ये कहते हैं, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट फॉर वॉर। अगर आपको किसी ने दिल भी दुखाया ना व्यूवर्स, तो भी उसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो। यस, यही व्यूवर्स आपकी खासियत है और यही एक हीलर की खासियत है कि जो माफ़ कर देता है, जाने देता है उन चीज़ों को जो उसके लिए नहीं है, या फिर उनको चीज़ों को समझ में आ जाती है, ठीक है। तो जब व्यूवर्स आप अपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये जो मुट्ठी है ना जिसमें आप लोग अपनी लाइफ में वो दर्द छुपा के बैठे हो, बांध के बैठे हो, जब उसको रिलीज़ कर दोगे और मुट्ठी आपकी खाली खाली हाथ हो जाएगा, कहते हैं ना वही द्रौपदी वाला हिसाब किताब आपको समझ में आएगा। ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आई थिंक इससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी।
द्रौपदी की लाइफ में जब एक टाइम ऐसा आया था जब उसकी इज्जत पे बात आ गई थी, जब उसको कोई हर एक से वो मदद मांग रही थी कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे मान सम्मान की रक्षा करो, मुझे बचा लो इन लोगों से, या फिर ये मेरे मान सम्मान को खील खील कर रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। तो जब उसके कोई काम नहीं आया तब उसने अपने हाथ छोड़ के भगवान श्री कृष्ण के आगे अपने हाथों को जोड़ा, उनके आगे उन्होंने सरेंडर किया, तो उन्होंने उसके मान सम्मान की रक्षा की। तो जब आप अपने हाथों को ओपन कर दोगे, जब दिखा दोगे कि हाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं इन चीज़ों को नहीं संभाल सकता या नहीं संभाल सकती, या मैं सरेंडर करता हूँ, तो बस तभी आपको ये देखो कि डिवाइन पावर मिल रही है, ये विशेस मिल रही हैं आपकी लाइफ में, वो रोशनी मिल रही है व्यूवर्स आपको, जिससे अपनी लाइफ को आप बदल सकते हो, ठीक है, वो शक्ति मिल रही है, ठीक है। स्टार डस्ट की एनर्जी, कुछ लोग व्यूवर्स यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग स्टार सीड हो सकते हो, क्योंकि गाइज मुझे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे वैसे भी फील हो रही थी, क्योंकि हीलर की एनर्जी गाइज आना ऐसे ही नहीं होता है, या तो आप इन चीज़ों से अवेकन नहीं थे, आपको ये चीज़ें एहसास नहीं होती थी मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब आपको पता चलने लगा है ना। तो ये भी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, इनके लिए आपके क्या मैसेज है, क्या एडवाइजेज है आपके लिंक के लिए। ओके, इफ़ यू बिलीव, एक कार्ड और लेते हैं बॉटम से, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए फिर से वही फॉरगिवनेस की एनर्जी है, अपने आप को भी माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करो सबसे पहले, तो कहीं ना कहीं देखो कर्मास को उन लोगों के उनके ऊपर छोड़ दो जो आपकी लाइफ में, जिन्होंने ये कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट करी। दूसरा, अगर आप बिलीव करते हो व्यूअर्स, तो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी हेल्थ इश्यूज़ सही हो जाएंगे, आपके पर्सनल इश्यूज़ सही हो जाएंगे, जो यहाँ पे एनर्जी गाइज मुझे निकल के आई थी, ठीक है। तो ये आपके जो भी इश्यूज़ हैं व्यूअर्स, चाहे वो जिस भी तरह के हैं, वो आपके यहाँ पे मुझे इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। सो सबसे पहले लेट गो करना सीख लो, एक ये भी मैसेज व्यूअर्स आपके लिए है, और जब लेट गो करोगे तभी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी अपनी लाइफ में, ओके। थायराइड ग्लैंड की व्यूअर्स यहाँ पे प्रॉब्लम किसी की सॉर्ट आउट हो रही है, नीज की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, और व्यूअर्स यहाँ पे टीथ की एनर्जी, वैसे वुल्फ एनर्जी है, वुल्फ एनर्जी गाइज आपको यही बताती है कि अपने अपने आस्पेक्ट को कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करना सीखो, चाहे वो आपकी अच्छाई है या बुराई है, जो भी है। और दूसरा व्यूवर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि देखो स्ट्रांग रहो, घबराना नहीं है, सिचुएशन चाहे सामने जितनी भी बड़ी हो उसे घबराना नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी मैसेज व्यूवर्स आपके लिए निकल के आया। सो व्यूवर्स ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी सी लेटर 3 नंबर या इस राशि को अपने लिए सिलेक्ट किया है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, तो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रख लेती हूँ एज ए साइन, ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं 2023 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, यहाँ पे कार्ड एक फोल्ड हो गया। ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस पाइल नंबर 3 सी लेटर के लिए प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, इनके लिए 2023 कैसा रहने वाला है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ओके, सो लेट्स सी, सो वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल, वी हैव लवर्स एंड द हर्मिट। ओके, बॉटम से है एम्प्रेस, और देख लेते हैं क्या है आपके लिए पाइल नंबर 3 कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। 2023 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा इनके लिए, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। सो वी हैव टू ऑफ कप्स, वी हैव मैजिशियन, वी हैव स्टार, ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, वी हैव मून एंड क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ओके, बॉटम से है सन। सो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2, चलो पहले कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं फिर ये रीडिंग करते हैं कंप्लीट, ओके।
प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर थ्री के लिए प्लीज़ गाइड करिए. मैंने टू बोल दिया था आई थिंक गाइस, बीच में है ना, उसको इग्नोर करिएगा. पाइल नंबर थ्री के लिए है. ओके ओके, सो वी हैव विनिंग वुमेन, शो द रियल वर्ल्ड. ओके, बॉटम से है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड अस प्लीज हेल्प अस. पाइल नंबर थ्री. ओके ओके, वी हैव सेवन चक्रा एंड व्यूअर्स वी हैव जर्नी. ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन. पाइल नंबर थ्री के लिए यूनिवर्स कार्ड दीजिए. ओके, वी हैव हार्वेस्ट एंड द शेम. ओके, ट्रुथ. ओके, सो पहले मैं एक कार्ड फिक्स कर लेती हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सबसे पहले व्यूवर्स मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है, सबसे पहले यू आर गोइंग टू रिलीज समथिंग, जो आप जिसको संभाल रहे हो या जिसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी कंफ्यूजन में हो, जिस भी सिचुएशन में जिसमें आप स्टक हो गए हो, ठीक है. मतलब दिमाग तो व्यूअर्स आपका कम, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा मतलब इधर से उधर होता रहता है. कभी मन अच्छा होता है, कभी मन उदास हो जाता है. सम व्यूअर्स आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, कभी आपको अकेले रहने का मन करता है, कभी आपको बाहर लोगों से कनेक्ट होने का मन करता है, या फिर कभी सबसे दूर हो जाने का मन करता है. जो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में जो चल रही है ना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. जो नेक्स्ट ईयर व्यूअर्स, ये आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्टिंग है मुझे नज़र आ रही है, वो ये कि जिस भी सिचुएशन में आप लोग कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी चीज़ों में आप लोग सक्सेस कहीं ना कहीं पाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में जो भी है हर एक आस्पेक्ट को जो संभालने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे ये है कि ये जो टेंशन है आपकी लाइफ में कि मैं कैसे संभालूँ, कैसे क्या करूँ, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सिचुएशन कहीं ना कहीं और ज़्यादा टफ होती चली जा रही है, ठीक है. कभी इस टांग पे नाचता हूँ, कभी उस टांग पे नाचता हूँ, ठीक. कभी समझ में नहीं आता ना, कभी ये काम करूँ या वो काम करूँ, कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ाऊँ, कहाँ कहाँ काम करूँ. तो व्यूअर्स, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, इससे आप ओवरकम करेंगे. व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा है, बदलाव लेके आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कोई टफ सिचुएशन, कोई टफ साइकिल आपका एंड होने वाला है 2023 के अंदर, जिसमें आपको कहते हैं ना फिर से अपनी लाइफ को जीने का मौका यहाँ पे 2023 में मिलेगा, जो आपको शायद अब तक नहीं मिला. क्योंकि मुझे ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना मतलब खुल के जी ही नहीं पा रहे हो. तो वो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है. किसी का व्यूअर्स यहाँ पे मुझे रियूनियन भी होता हुआ नज़र आ रहा है 2023 के अंदर, अपने सोलमेट के साथ में, अपने अपने लवर्स के साथ में, या अपने पार्टनर के साथ में. तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले तो अकेलेपन से बाहर निकल के आ रहे हैं. तो अकेलापन आपकी लाइफ में नहीं है व्यूअर्स. आपकी लाइफ में जो अकेलापन था, जो आपने अब तक स्ट्रगल किया, या फिर अपनी लाइफ में ये चीज़ों को देखा है, या फिर जिससे सेपरेशन आपका हुआ है, उससे आपका रियूनियन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. अगर मैं व्यूअर्स बात करूँ तो यस, मेरे पास में रियूनियन की एनर्जी काफ़ी सारी है इस साल के अंदर आपकी लाइफ के लिए. ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि किसी का कोई किसी को आपने पैसा दिया था बहुत पहले, लेकिन वो आपको रिटर्न बैक नहीं कर पा रहा है, या फिर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो वो भी व्यूअर्स पास्ट से कुछ चीज़ आपकी लाइफ में रिटर्न बैक हो रही है नेक्स्ट ईयर के अंदर, ये भी नज़र आ रहा है. कोई सिचुएशन से आप ओवरकम कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट फेज से आप बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है. कुछ चीज़ें रिटर्न बैक हो रही हैं आपकी लाइफ में, जिससे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है. यू आर अ मैनिफेस्टर व्यूअर्स. जो आप अपनी लाइफ में जो करना चाहेंगे ना नेक्स्ट ईयर, कंप्लीट करना चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं आप लोग कर लेंगे, बट विद द डेडिकेशन. यहाँ पर डेडिकेशन की ज़रूरत है,
चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, एफर्ट्स की गाइज यहाँ पर जो ज़रूरत है वो मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से होते हुए भी नज़र आ रही हैं चीज़ें। और आपकी कोई विश है व्यूअर्स यहाँ पे किसी काम को लेके, कोई करियर को लेके, कोई जॉब को लेके, अपने किसी बिजनेस को लेके, अपनी लाइफ में किसी आस्पेक्ट को लेके, किसी प्लेटफॉर्म को लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें व्यूअर्स मुझे आपके लिए यहाँ पर सक्सेस नज़र आ रही है। ठीक है, सक्सेस व्यूअर्स अगर देखा जाए तो ज़्यादा है आपके लिए, सक्सेस रेट आपके लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी रहती है, जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ को अकेले जीना पड़ रहा है, तो उससे भी आप व्यूअर्स कहीं ना कहीं मुझे ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो नई जर्नी है व्यूअर्स, इनिशिएट करो लाइफ में, आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा समटाइम व्यूअर्स प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत भी नहीं होती है, समटाइम थोड़ा सा कहते हैं ना, बस थोड़ा सा लॉजिकल होना भी काफ़ी रहता है। तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो ना, दूर दूर की सोचते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कभी कभी सब प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। डिवाइन जो चाहता होता वही है, ये आपको भी पता है। बस हम क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो वो जो एफर्ट्स है ना व्यूवर्स, वो मुझे यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। व्यूवर्स सबसे पहले यहाँ पर ये है कि आप व्यूवर्स अपनी लाइफ में ये देखो कि आपको क्या रिलीज करना है। वेकअप कॉल तो है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, मैं विश मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है, कोई पुरानी विश व्यूवर्स यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपको व्यूवर्स अपने अपने आपको दिखाने का मौका मिलेगा दुनिया को कि आप हो क्या, है ना, जो आप चाहते हो ना कि मेरी भी पहचान बने, मुझे भी लोग जाने, एक मेरा भी मेरी भी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी अर्निंग होने वाली है आपकी नेक्स्ट ईयर, काफ़ी अच्छी अर्निंग करने वाले हैं, कहीं ना कहीं पहचान बनाने वाले हैं। हार्वेस्टिंग टाइम है व्यूअर्स आपके लिए कि आपके एफर्ट्स ही आपको कहते हैं ना आपको रिजल्ट बहुत अच्छा दिलाएंगे, यानी कि कम मेहनत ज़्यादा रिजल्ट, वो उससे बढ़िया क्या बात है। और व्यूअर्स यहाँ पर एक बात और है, कहीं ना कहीं जो आप लोग कहते हैं ना दूसरों के बारे में सोच सोच के कहीं ना कहीं अपनी अपनी इच्छाओं को मार लेते हो, या फिर लोगों को आप ये सोचते हो कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, या फिर ये करूँगा तो लोग चार बातें बनाएंगे, तो छोड़ो बातें बातें, एक शेम को कहीं ना कहीं लाइफ को लाइफ में एक तरफ करो, लाइफ में वो काम करके दिखाओ जो आप कहीं ना कहीं करना चाहते हो। ठीक है, कई बार दूसरों के बारे में सोच सोच के इंसान ना अपने अपने लाइफ के वो काम छोड़ देता है जो उसको करने चाहिए, या फिर जिनसे ही उनकी लाइफ में उसे सक्सेस मिलने वाली है। तो यहाँ पर व्यूअर्स सक्सेस तो है आपके लिए, बस कहीं ना कहीं एक जोन से बाहर आने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो व्यूअर चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, अगर व्यूअर्स यहाँ पे देखूँ तो कुछ मुझे एक मदर मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, कोई या तो किसी का कोई मतलब कोई अपना बिछड़ा हुआ है वो आपको वापस मिल सकता है, या फिर किसी की कोई विश, जैसे कि मैंने बोला ना एक मदरली विश हो सकती है, वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पे नज़र आ रहा है आस्पेक्ट कि मतलब जो चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये नहीं कहूँगी भाई आप अंबानी बन जाओ, तो ऐसे भी विश मत मांगो। ठीक है, जो 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 पूरी हो सके बस वही मांग लो और वही आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस। ओके, स्मोकी क्वार्ट्स पॉइंट की एनर्जी गाइस यहाँ पे, ये जो क्रिस्टल है आप ये बाय कर सकते हो, ये आपके लिए व्यूअर्स कहते हैं ना आपके फियर से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, आपके आपके माइंड को कहीं ना कहीं शार्प करेगा, आपके विजन जो विज़न है आपका उसको ब्रॉड करेगा व्यूअर्स, ये आपकी इमेजिनेशन कहीं ना कहीं इससे ब्रॉड होती हुई नज़र आ रही है। तो ये व्यूअर्स आपके कहीं ना कहीं आपके जो ना आपके अगर आपको स्टडी में भी आपका अगर आप फोकस नहीं बन पा रहा, आप स्टडी करना, आप कुछ को कुछ सीखना है, कुछ नया ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गाइज मैजिशियन के, मैनेजर ऑलवेज अ लर्नर, ऑलवेज अ सीकर, ऑलवेज अ डेवलपर। तो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो व्यूअर्स आप इस जो ये क्रिस्टल है इसको आप अपनी लाइफ में वेयर कर सकते हो। इस साल की एनर्जी के लिए आपके काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए ये। ओके, वी हैव अ जिराफ, मेंटेन अवेयरनेस, तो यहाँ पे व्यूअर्स ये भी है किसी तरह का, जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, कुछ आउटकम आपके लाइफ में रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। इमेजिनेशन इज़ द की टू सक्सेस। वही है व्यूअर्स, मैंने बोला ना जो विशेज़ भी हैं व्यूअर्स वो भी आपकी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब जो इंसान ड्रीम देखता है वही तो उसके पूरे होते हैं। तो व्यूअर्स हायर प्रोस्पेक्टिव कहते हैं ना, जिराफ एक हायर विजडम को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आपके लिए। सो यू आर ए इंट्यूटिव पर्सन, जैसे कि मुझे यहाँ पे नज़र आए, यू आर ए हाइडर जिसका विजन ब्रॉड है, जो ब्रॉड माइंडेड है, जो अपने आप में कॉन्फिडेंट है व्यूवर्स, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी यहाँ पे मुझे बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में अपनी चाल से चलते हुए नज़र आ रहे हो, तो यहाँ पे व्यूवर्स ये भी आपके लिए मैसेजेस है। ओके,
कहते हैं ना, जितनी ऊंचाई पे आप हो उतनी ऊंचाई पे जो पहुंचना चाहते हो वो ऊंचाई भी फिर से आपको मिल रही है। बस आपको कहते हैं ना, अपनी अपने अपनी इंट्यूशन को, अपने एक्शन को ब्रॉड करना है, बस अपने अपने ड्रीम्स ब्रॉड करने हैं। ओके और देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे। ओके वी हैव गोल्ड एंड रिवर्स ड्रैगन। एक व्यूवर्स यहाँ पे देखो, एक और मैसेज आपके लिए मिला है, वो ये दिखाता है कि आपको व्यूवर्स देखो किसी और की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए। किसी और की आपको व्यूवर्स यहाँ डेफिनेटली आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद में ही कह रहे हो ना कहीं कंप्लीट हो। आपका आपका विज़न बहुत ब्राइट है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। इवन दो व्यूवर्स मुझे कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे डाइवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब सिंगल मदर होने के बाद भी या सिंगल पेरेंट्स होने के बाद भी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हो, है ना। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रांग हो आपके अंदर वो मस्कुलर एनर्जी गाइस, काफ़ी सारी मुझे यहाँ पे नज़र आई कि आपको व्यूवर्स वो चीज़ें मिल रही हैं जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हो। व्यूवर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आपके लिए, है ना व्यूवर्स। आपके लाइफ में ऐसा काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप लोग सामने वाले की बोलती बंद कर दो, अपने पे आ जाओ तो हाँ सच्ची में ऐसा ही है। लेकिन समटाइम व्यूवर्स आपसे जो लोग हैं ना इसी बात से खार खाते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यार ये अकेले सब कुछ कर लेता, अकेले सब कुछ कर लेती है, और हाँ एक हम देखो हम तो हमारे पास सब कुछ है तो भी हम नहीं कर पाते हैं, होता है ना ऐसा। ओके नो नीड टू वरी, बॉटम से है ईयर फ्रॉम नाउ नेक्स्ट ईयर व्यूवर्स आपके लिए है। एक बस को कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, देर इज़ समथिंग बेटर। चलो क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, सो डोंट वरी। और जो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। सक्सेसफुल लाइफ है नेक्स्ट ईयर, अगर देखा जाए काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ है। ओके सीखना है व्यूवर्स, जो मैंने बोला ना आपको क्रिस्टल भी मैंने अभी आपको आई थिंक बताया था, अगर आपको कुछ सीखना है व्यूवर्स तो उसके साथ में सीख सकते हैं। और आपके पास में व्यूवर्स सीखने वाली एनर्जी बहुत सारी है, ठीक है, सीखने वाली एनर्जी कुछ। गाइस मैंने आपको शायद शुरुआत में वो बताए भी थे कुछ, शायद इस रीडिंग में बताए थे, पता नहीं पिछली में बताए थे ध्यान नहीं, लेकिन मैंने आपको कुछ ऐसे भी बताए थे कि जैसे कि आप इन चीज़ों में कामों में आप अच्छे लर्नर बहुत अच्छे हो, लर्निंग बहुत अच्छी है, आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और आप इंडिपेंडेंटली कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जैसे कि रन कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छी एक बात है यहाँ पे। अच्छा बॉटम से देखो ब्राइट फ्यूचर है, लक्ष्मी माता भी निकल के आई हैं आपके लिए। तो भी बस सीखोगे और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बढ़ाओगे बनाओगे, वही एनर्जी है आपके लिए। तो लक्ष्मी माता भी हैं, सरस्वती माता भी हैं, एक एक विद्या की देवी हैं, एक लक्ष्मी की देवी हैं, तो दोनों ही तरह से कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू दोनों हाथों में चांदी, बस वही एनर्जी गाइज यहाँ पे है, वही मैजिशियन की एनर्जी है व्यूवर्स आपके लिए। ओके और देखते हैं लास्ट मैसेज आपके लिए। सो वी हैव जर्नी, नई जर्नी है स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में, फिर से जर्नी है। और कोई बुक पढ़ने का व्यूवर्स आपको मौका मिल सकता है या बुक लिखने का मौका मिल सकता है आपको, या तो अपनी लाइफ में आप बुक ही अपनी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। कुछ अपनी कोई PhD कंप्लीट कर रहा है, ये भी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई अपनी 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 जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करता है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे व्यूवर्स एक बुक मुझे आप या तो क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो या फिर आप पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक ऐसी लाइफ चेंजिंग एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। सो पढ़ो लिखो और कमाओ है ना। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए निकल के आए हैं। सो व्यूवर्स आई थिंक ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी, आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस एडवाइजेस और बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है व्यूवर्स तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो वेलकम बैक पाइल नंबर 4। तो चलिए व्यूवर्स आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने अपने लिए चुना है व्यूवर्स या तो लेटर डी, ओके। आपकी राशि हो सकती है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, एंड नंबर है व्यूवर्स आपका 4। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पे मैं ये रख लेती हूँ एज अ सिम्बल, इसको मैं यहाँ से फिलहाल हटा ले रही हूँ।
सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसा जाएगा आपका ये साल 2023। सो प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर 4 के लिए प्लीज़ हमें गाइड करिए। कन्या मकर वृषभ राशि, कन्या मकर वृषभ राशि के लिए आप मुझे प्लीज़ गाइड करिए, बताइए इनका ये ईयर कैसा जाएगा, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं इनके लाइफ में, क्या कुछ होने जा रहा है, प्लीज़ हमें वो बताइए, अपनी गाइडेंस अपनी एडवाइस दीजिए। ओके सो लेट्स सी क्या है आपके लिए कन्या मकर वृषभ राशि। ओके ओके वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, मेरे पास है रिवर्स मैजिशियन एंड वी हैव टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम से है पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए कन्या मकर वृषभ राशि के लिए, प्लीज़ हमें बताइए पाइल नंबर 4 के लिए, डी लेटर के लिए क्या है डिवाइन आपके, आपने क्या सोचा है इनके लिए इस ईयर में, कैसा कुछ रहने वाला है इनके साथ में, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए कैसा जाएगा 2023 इनका, क्या कुछ खास है इनके लिए, प्लीज़ हमें बताइए। ओके कन्या मकर वृषभ राशि, सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ओके पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, वी हैव फूल, टेन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके एंड वी हैव चैरियट, बॉटम से व्यूवर्स मेरे पास है एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी, एसेस काफ़ी सारे निकल के आए हैं। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पर आपके थोड़े से और कार्ड निकालूंगी और फिर मैं इनको थोड़ा सा अरेंज करके फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, बताइए कन्या मकर वृषभ राशि के लिए ये ईयर पाइल नंबर 4 के लिए ये जो ईयर है कैसा जाने वाला है। ओके वी हैव एक्वेरियस एंड एरीज, ओके बॉटम से कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे। ओके प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, कन्या मकर वृषभ राशि पाइल नंबर 4 लेटर डी के लिए कैसा जाने वाला है 2023, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस। ओके वी हैव ब्रोकन हार्ट एंड व्यूअर्स मेरे पास है सिक्स चक्रा, बॉटम से है फिफ्थ चक्रा, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। पाइल नंबर 4 कन्या मकर वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है। ओके न्यू मून इन लिब्रा, हैव यू फेथ इन ट्रू कंक्लूजन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस, प्लीज हेल्प अस। पाइल नंबर 4 कन्या मकर वृषभ राशि के लिए प्लीज़ बताइए, स्टे क्यूरियस, विंड इन विंड ऑफ चेंज, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। कार्ड्स काफ़ी सारे रहेंगे व्यूअर्स, क्योंकि पूरे साल की रीडिंग हो रही है ना, तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको भी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। पाइल नंबर 4 कन्या मकर वृषभ राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ओके वी हैव सेवन सिस्टर्स, ओके वी हैव ग्रेव, बॉटम से है लीजा एंड माओ की एनर्जी यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कन्या मकर वृषभ राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए नेक्स्ट ईयर इनका कैसा जाने वाला है। ओके सो वी हैव मिरर एंड नॉस्टैल्जिया, रेन ड्रॉप। ओके सबसे पहले मैं कार्ड एडजस्ट करती हूँ व्यूअर्स, फिर मैं आपके साथ में रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, तो गिव मी अ सेकेंड। ओके व्यूअर्स, सो पाइल नंबर 4 आपके लिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं ना जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा
चौंकाने वाले हैं, या फिर ये कह सकते हैं व्यूअर्स कि यस, आपकी एनर्जी गाइज मुझे जो नज़र आ रही ना, आप लोगों का जो एक बिहेवियर, एक पैटर्न है लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग स्लो बहुत हो, आपकी एनर्जी गाइज काफ़ी स्लो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, आप अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो या फिर कोई काम करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, या उसको कंप्लीट करना व्यूअर्स आपके लिए थोड़ा सा समटाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए। गाइज मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक तो रूटीन की गाइज कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है, एक रूटीन की कमी है जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम लाइफ में डिले हो रहे हैं, ये गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो साल आपका शुरू होगा, ये जो टाइम आपका शुरू होगा, सबसे पहले व्यूअर्स अपनी लाइफ में जो स्टार्टिंग ये आप लोग करोगे ना, किसी सिचुएशन से या किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। या तो कोई आपका व्यूअर्स हो सकता है कोई लीगल इशू हो, कोई मेंटली आप डिस्टर्ब हो, या फिर किसी बात से आपकी आपके घर में प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से आपकी आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुई है, पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट हुई है, इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ है व्यूअर्स वो भी इफ़ेक्ट हुई है। तो मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जिससे आप अपनी लाइफ में बाहर निकलने की कोशिशें करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पर देखूँ तो आपकी लाइफ में मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नज़र आ रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे भाग्य परिवर्तन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी बस कुछ लोग लिए गाइज, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ब्रोकन हार्ट की भी एनर्जी है यहाँ पे व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स मतलब ऐसा कुछ रहेगा समय आपके लिए, ऐसा भी रहने वाला है। मतलब अभी ब्रोकन हार्ट व्यूवर जो आया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन पेन देना चाहते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख देना चाहते हैं। हाँ, ये चीज़ें गाइज मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपकी लाइफ में है, ये धूप छाँव वाला माहौल है, लेकिन ये आ क्यों रहा है व्यूवर्स इसको भी आप देख लो, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जब तक डिवाइन आपको जो देना चाहते हैं ना, आप उस तरफ आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, उन चीज़ों को या तो देख नहीं पा रहे हो, या चीज़ों की तरफ आपको हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हो, या फिर अपनी लाइफ से अपने जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे डिवाइन आपको आपको किसी ना किसी तरह से जैसे कि हिंट देंगे, या किसी ना किसी तरह से आपको उस तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कि एक समटाइम कैसा होता है ना कि इंसान काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा होता है, काफ़ी को अच्छी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन या फिर उसकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है लाइफ में, कहीं ना कहीं वो उसको लग रहा होता है चलो जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, इससे ज़्यादा अगर कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं डर की वजह से भी इंसान अपनी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देता है जो उसको डिवाइन देना चाहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट, है ना। ये चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है। वैसे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपको थोड़ा सा जो यहाँ पे डिवाइन दर्द दे रहे हैं ना, तकलीफ जो दे रहे हैं, इसका मतलब ये है व्यूवर्स कि आपको एक नई सर्किल स्टार्ट होने वाली है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाया जा रहा है, एक मैजिशियन की एनर्जी में गाइज लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को समझें कि आप क्या कर सकते हो। आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे व्यूवर्स, आपने काफ़ी पढ़ाई की है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया है, नॉलेज गेन की है, बहुत कुछ किया है, पर स्टिल यू आर डूइंग नथिंग, है ना। ये कहीं ना कहीं आपको आपको फील होता होगा, कहीं ना कहीं आपको एहसास होता होगा कि मैंने इतनी पढ़ाई करने के बाद में या इतना सब कुछ करने के बाद में मैं कर क्या रहा हूँ, वही एक नॉर्मल सी लाइफ, वही एक डेली लाइफ को मैं कहीं ना कहीं स्पेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जैसे कि आमतौर पर हर एक पर्सन करता है। मेरे अंदर क्या स्पेशलिटी है, मैं क्या अलग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसको जगाने की कोशिश या फिर यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में की जाएगी, ताकि आप अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर सकें, वो खुशियाँ हासिल कर सकें, वो लाइफ में इन्वॉल्व हो सके जिसमें डिवाइन आपको इन्वॉल्व करवाना चाहती है। तो अगर व्यूअर्स आपके साथ में कुछ ऐसा होता भी है तो उसे घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि गाइस अगर मैं देखूं इसी के बाद ही, यानी कि जो ये आपको ये जो प्रॉब्लम्स मिल भी रही हैं व्यूअर्स, इसी से आपकी लाइफ में आपका जो कहते हैं ना विजडम चक्रा, विजडम चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आप बहुत सारी चीज़ों को एक नए आयाम से देख पाएंगे, नई चीज़ों को नए तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको करना आपको आ जाएगी, ठीक है। ये भी गाइज मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के नए बिजनेस साइकिल शुरू हो रहे हैं, नई रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है, किसी के ड्रीम्स यहाँ पर मुझे बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं जिन्होंने अपने पूरे नहीं किए हैं, वो पूरे होने जा रहे हैं। अगर व्यूवर्स यहाँ पर देखूँ आपके लिए, तो आपके लिए व्यूवर्स बोलता पता है क्या बोला जा रहा है, फोकस करो प्रेजेंट एनर्जी के अंदर, जो आप नहीं करते हो, आप लोग ड्रीमी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रहते हो। अगर मैं देखूँ आपके पास ड्रीम एनर्जी काफ़ी सारी है, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा, ठीक है, कि मुझे ऐसा ऐसा घर बनाना है, ऐसी अपनी लाइफ जीनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है,
ये आपके ड्रीम्स मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को करने के लिए अब तक आपने उस लेवल तक एफर्ट्स जो नहीं लगाए हैं व्यूअर्स, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब आपके हाथ में कोई ना कोई ऐसी पावर, ऐसी कहीं ना कहीं कहते ना ऐसी एनर्जी रहने वाली है, या कुछ ऐसा काम आपके हाथ में आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें आप करने वाले हो जिससे आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करोगे। स्टार्ट व्यूअर्स यहाँ पर एस ऑफ कप से हो रही है और कम्प्लीट व्यूअर्स यहाँ पर टेन ऑफ कप से हो रही है, यानी आपके जो जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो कम्प्लीट मुझे होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग व्यूवर देखो अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, किसी की सेटिस्फेक्शन किस लेवल की होती है, किसी की सेटिस्फेक्शन किस लेवल की होती है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि सबसे पहले तो आपकी लाइफ में ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, इससे शुरुआत होगी एक नई कनेक्शन की, नई साइकिल की। आप लोग कहीं ना कहीं मुझे अपना ही कुछ शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो, डिवाइन आपको इसमें हेल्प कर रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एक जोन से बाहर निकले, अपनी कैपेसिटी को पहचाने। यहाँ पे व्यूवर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आप लोग कुछ बड़ा ही करने वाले, कुछ बहुत ही इनोवेटिव हो सकता है, कुछ बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है। किसी की गवर्नमेंट जॉब के लिए भी व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, किसी का अपना खुद का बिजनेस आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह आप यहाँ पे खड़े हो रहे हो। और व्यूवर्स जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है, तो व्यूवर्स यहाँ पे किसी का जैसे कि प्यार में जिसने किसी ने धोखा खाया है लास्ट मतलब 2022 के अंदर जिसमें किसी ने धोखा खाया है, या फिर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आप उस दुख से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि वो जो दुख है आपकी लाइफ में इससे भी आप ओवरकम इसी ईयर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है किसी के साथ में व्यूवर्स आपकी मुझे डेट वगैरह भी होती हुई नज़र आ रही है, आपकी आपकी लाइफ के अंदर डेट वगैरह हो रही है, कोई आपसे लोग मिल रहे हैं। व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास फ्रेंड्स वगैरह भी जो जुड़ रहे हैं आपके साथ में, कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपके साथ में लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप हो व्यूवर्स की जो फोकस नहीं बना पा रहे हो, या फिर आप अपने पास्ट पर्सन के बारे में या पास्ट लाइफ के बारे में या पास्ट में जो आपके साथ में हो गया है, जो आपने मिस कर दिया, जो खो गया है आपसे, आप उसी में कहीं ना कहीं स्टक हो। तो यहाँ पर व्यूवर्स फिर से वही एनर्जी है रिपीट जो हो रही है, फोकस करो जो अभी आपके पास में है उसको जियो, ना कि पास्ट में अटके रहो, तो उससे मूविंग ऑन करना व्यूवर्स वही है। टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी गाइज अपने 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 जो काम आपके पेंडिंग है, जो आपकी लाइफ में आपने जर्नी शुरू करी है, ठीक है, जो आपने स्टार्ट करी है व्यूवर्स, उसको कहीं ना कहीं आप लोग कंप्लीट करो, उन चीज़ों को पूरा करो। किसी की स्टडी व्यूवर्स बाकी है, वो अपनी स्टडी पूरा करेंगे, किसी का कोई काम बाकी है, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे पूरे होते नज़र आ रहे हैं। किसी का व्यूवर्स मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ट्रांसफ़र भी हो रहा है, ठीक है, कहते ना नई जगह पे ट्रांसफ़र होना, नई जगह पे जाना, ये भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है जॉब के सिलसिले में आप लोग बाहर जाओ, ऐसा भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली। अच्छा व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिसने भी, अगर इन केस ये फैमिली इशू है जो आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो ना, थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी लेके चल रहे हो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये भी व्यूवर्स यहाँ पे दिखा रही है कि आपकी लाइफ में जो थ्री ऑफ सोर्ड है इससे व्यूवर्स आप लोग बाहर निकल के आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपके व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी लाइफ में अब नहीं रहेगी, ठीक है, आपकी लाइफ में व्यूवर्स ये जो एनर्जी कुछ फॉर अ टाइम या फिर कुछ मंथ के लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे कंटिन्यू नज़र आ रही है, जब तक आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो या इनसे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जस्ट फॉर अ टाइम। और ये शुरुआती टाइम में व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके बाद आपकी लाइफ का सर्किल बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूवर्स आपके लिए ये है कि आपकी एनर्जी जो है व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा इस साल के अंदर काफ़ी डायनेमिक रहने वाली है, एक्शन ओरिएंटेड, पैशन ओरिएंटेड, यानी अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा आप डिवोटी नज़र आ रहे हो, मुझे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, फोकस बहुत अच्छा है आपका अपनी लाइफ को, मतलब कहते हैं ना मन लगा के काम करना, जब मन लगा के काम करोगे फिर देखो कैसे आपकी आपका भाग्य यहाँ पे मुझे बदलता हुआ चमकता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा भी व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ अपनी लाइफ में लर्न करने वाले हो। ये व्यूवर्स यहाँ पे जो लर्निंग एस्पेक्ट मुझे नज़र आ रहा है, ये आपकी आपकी स्टडी में भी आ रहा है, आपके कामों में भी आ रहा है, आप बहुत कुछ अपने कामों में बेहतर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपकी आपकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव मुझे होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी कुछ है व्यूवर्स जो आपके लिए बदलता हुआ नज़र आ रहा है, आपका जो विजडम है ना व्यूवर्स, वो ब्रॉड माइंडेड हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड की गाइस हमारे पास एनर्जी है अगर आप देखेंगे, और मैंने जो आपसे पहले ही बोला था व्यूवर्स, जैसे कि हमें मुझे नज़र आया था कि आपकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं रूटीन की कमी है, तो रूटीन व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग रूटीन पे भी अपने फोकस करने वाले हैं, अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करने वाले हैं। रूटीन आपका बनेगा तो आपके सारे काम ऑन टाइम होंगे, तो अपना व्यूवर्स आप रूटीन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि आप लोग अपना कुछ लर्न कर पाएँ, एक्स्ट्रा सीख पाएँ, या फिर अपनी अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर पाएँ, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर पाएँ। तो ये भी व्यूवर्स मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है, नॉलेज स्किल आपकी बढ़ रही है व्यूवर्स, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो, किसी भी फील्ड से आप
लोग काम करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. ओके, लाइफ चेंज हो रही है व्यूवर्स. यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, और जो आपने अपने व्यूवर्स कहीं ना कहीं जो ड्रीम्स देखे हैं ना, वो ड्रीम्स मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंप्लीट होते हुए नज़र आए. टेर ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है, ड्रीम फुल मैनिफेस्टेशन है आपका. किसी का, जैसे मैंने बोला, विवाह हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, शादी हो रही है, या फिर किसी का बाहर अपना घर बनाने का जो सपना है वो पूरा हो रहा है, इंजॉय करना है, बाहर जाना है. ये व्यूवर्स अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं एक लिस्ट बनाई हुई ना, उनसे कुछ स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हो, ये चीज़ें भी आपकी पूरी होती जा रही हैं. हाँ, ये व्यूवर्स ज़रूर है आपकी लाइफ में कि आप लोगों व्यूवर्स अपनी लाइफ में ना, कहते ना, हर एक चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए, हर एक चीज़ पर बराबर ध्यान देना आना चाहिए. उसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी यहाँ पे कमी कुछ लोगों के लिए नज़र आई, हर एक के लिए नहीं है व्यूवर्स ये मैसेज, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मिला है तो ये है. और व्यूवर्स यहाँ पे एक मैसेज जो और आया है मेरे पास, जो कार्ड ये बताता है कि सम टाइम व्यूवर्स कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए इंसान को अपने जोन से बाहर निकल के हिम्मत दिखानी होती है, या फिर कुछ आस्पेक्ट, कुछ सर्किल ऐसा होता है जिनको हैंडल करना सम टाइम बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, उनके लिए हिम्मत दिखानी होती है, पेशेंसली हर चीज़ सिचुएशन को हैंडल करना होता है. तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके अंदर वो हिम्मत, वो पावर आ रही है ताकि अपनी लाइफ के ये जो आस्पेक्ट है ना, इस पर आप कंट्रोल कर सको. तो यहाँ पे व्यूअर्स अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव भी एनर्जी है. ऐसा नहीं है कि जो, अगर जो नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ में आपको फील हो रही है ना, जो आपकी लाइफ में आप लोग लेके चल रहे हो, क्योंकि ये व्यूअर्स अभी आपकी लाइफ में सडन नहीं आया है, ये अभी आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है और वही आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. तो इसीलिए मैं कह रही व्यूअर्स, ये आपके लिए किक स्टार्ट का काम कर रहा है. ठीक है, ताकि आपको किक स्टार्ट मिले और अपनी लाइफ में आप वो चीज़ें कर सको, वो मैजिशियन बन सको जो अपनी लाइफ को खुद चमकाने वाला काम करे. ठीक है, तो इसको भी एज ए पॉजिटिव लोगे व्यूवर्स तो ज़्यादा अच्छा. अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो कहीं ना कहीं सिर्फ यही सिचुएशन आप अपनी बना के बैठ जाओगे कि ठीक है, लोग बात करें और आप कहीं और खोए हुए हो, लोग आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं, आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, लेकिन तब भी आप खोए हुए हो. तो ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही नज़र आया, कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हो. तो फोकस करो व्यूवर्स आज के कामों पर, आज की लाइफ में अपने कामों पर, अपनी अपनी स्टडी पर वर्क करो. ठीक है, किसी की वजह से व्यूवर्स ये नहीं कि अपनी स्टडी को ख़राब कर लो, तो स्टडी ख़राब मत करो, अपने काम को ख़राब मत करो. अपने ये नहीं हो कि पता चला आपको ऑफिस वाले भी बोल रहे हैं क्या काम कर रहे हो आप लोग, आपका काम में ध्यान में मन नहीं लगता क्या, तो ये बातें सुनने वाले काम मत करना, फोकस रहना. ओके, तो चलिए व्यूवर्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं आपके लिए. अगर व्यूवर्स देखा जाए ना, आप लोग क्रिएटर वाली एनर्जी में हो, तो बहुत कुछ क्रिएट करना है आपको इस साल, और डिवाइन आपसे क्रिएट करवा रहे हैं. ठीक है, वो चीज़ें गाइस यहाँ पे क्लियरली हैं. सीख रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, अपने एक मुकाम बना रहे हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, आपकी मैरिज लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके फैमिली इश्यूज हो, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं. साइकिल, एक न्यू बिगिन आपके लिए हो रहा है व्यूवर्स यहाँ पे, है ना. ओके, ग्रीन डाई अगाटे की एनर्जी गाइस यहाँ पे, आप ये क्रिस्टल व्यूवर्स बाय कर सकते हैं. ये क्रिस्टल व्यूवर्स आपकी जो कहते हैं माइंड सेट में, या फिर आपकी लाइफ में जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है जिनसे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, आपके सामने चैलेंजेस जो आ रहे हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं डर जाते हो, या फिर आपको हो जाता है, एकदम से घबराहट हो जाती है, होती है ना व्यूवर्स, एकदम से सडन कुछ हो जाता है तो आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि आप क्या करें, आप क्या करें, दिमाग काम नहीं करता. तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में हो रही है व्यूवर्स, इनको कंट्रोल करने के लिए आप इस क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं. ये यहाँ पे नज़र आ रहा है. ठीक है, और व्यूवर्स यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी जो आसपास व्यूवर्स एक इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी है आपकी, तो आप उसको भी व्यूवर्स यूज़ करो. आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है व्यूवर्स 2023 के अंदर, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ, आपको अपने इनर विजडम से ही एडवाइस मिलेंगी, तो अपने उस पावर का इस्तेमाल करना. यहाँ पे ये भी व्यूवर्स आपके लिए बोला जा रहा है. ओके, वी हैव अ फ्रॉग, फ्रॉग की एनर्जी गाइज यहाँ पे है. ये व्यूवर्स आपको एनर्जी ये बताती है कि कुछ टॉक्सिक एनर्जी व्यूवर्स आपने अपनी लाइफ में, कुछ अननेसेसरी थिंग्स अपने घर में, अपनी लाइफ में आपने इकट्ठी करी हुई है ना. तो व्यूवर्स यहाँ पे ये भी है कि उन चीज़ों को रिलीज़ कर दो, अपनी लाइफ में से निकाल दो और एक नई तरह से अपनी लाइफ को शुरू करो. कुछ नए रिलेशनशिप आपके लिए यहाँ पे मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी इस लाइफ के अंदर, क्योंकि एसिस की एनर्जी गाइस काफ़ी है. और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन आपसे डेट करने वाला है मुझे यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है. कोई आपके तरफ लव अप्रोच लेके आ रहा है, डेट करना चाहता है, आपके साथ में मिलना चाहता है, रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो वो भी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. ओके, तो
दोनों ही तरह से अगर देखा जाए व्यूवर्स, काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपके लिए जो वर्क कर रही है। और व्यूवर्स ये जो एनर्जी व्यूवर्स आपके लिए ये भी कह रही है कि आपका जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा ही ये रहेगा ये ईयर। और ये दिल रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में व्यूवर्स एक तरह से जैसे कि ना प्रॉस्पैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे व्यूवर्स देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए तो मुझे लोटस काफ़ी नज़र आ रहे हैं। और लोटस लक्ष्मी माँ का प्रतीक होता है ना, मनी प्रॉस्पैरिटी का प्रतीक होता है। तो मुझे यहाँ पे भी देखो कॉइन आपकी तरफ आ रहा है। आपकी खाली ज़िंदगी में वो चीज़ें भर रही हैं, एनर्जी एंगेज हो रही है आपकी लाइफ में, तो वो यहाँ पे है व्यूवर्स। कि दोनों ही तरह से अगर देखो आपको प्यार भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रही है, और आपको मनी की अबंडेंस भी मिल रही है। तो वाइज इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, है ना। तो ये गाइज आपके लिए नज़र आ रहा है कि आप इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी व्यूवर्स यहाँ पे कार्ड देखेंगे, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे, ओके। कुछ व्यूवर्स आपके लिए लकी मंथ में आपके लिए कुछ बता देती हूँ। ये जो शुरुआत के जो मंथ रहेंगे ना आपके लिए, शुरुआती टाइम जो रहेगा ये जनवरी से लेकर के अराउंड जुलाई तक का जो टाइम है, ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल टाइम है। ये व्यूवर्स आपके लिए एक ऐसा समय रहेगा जिसमें बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे, बहुत कुछ नया शुरू होगा। तो ये जो कहते हैं ना, जब किक स्टार्ट ही इतनी अच्छी मिल रही है तो उसको इनकैश करो ना, उनके साथ में आगे बढ़ो, उनको व्यूवर्स खोना मत। बस ये आपके लिए एक एडवाइस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ओके, वी हैव ट्रू लव। मैंने बोला ना आपके लिए आपको प्यार बहुत मिल रहा है, यहाँ पे वही अबंडेंस वाली एनर्जी है व्यूवर्स। ट्रू लव, रोमांटिक साइकिल इंक्रीज हो रहा है आपको। ये व्यूवर्स थ्री ऑफ सोर्ड से निकालना है डिवाइन को, इसीलिए आपको सच्चा प्यार मिलेगा, ठीक है। डिवाइन आपकी वो खुशियाँ पूरी करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं आपको अभी तक नहीं मिली है, या फिर आप लोग इन चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है ग्रेट लव डिलीवर हो रहा है आपकी तरफ। एजेस गाइज इसीलिए आपके पास ज़्यादा हैं, ब्लूमिंग की एनर्जी है, आपकी लाइफ ब्लूम कर रही है। देखो फ्लावरिंग हो रही है लाइफ में, कितनी खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। एक नया प्रोसेस, नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपको पेशेंसली व्यूअर्स इनके साथ में कनेक्ट होना है, इनके साथ में आगे बढ़ना है, अपने पेशेंस को बनाए रखो, इम्पेशेंट नहीं होना है। कभी कभी कह रही हूँ ना आपकी लाइफ में क्या होता, वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जब कोई छोटी सी भी परेशानी आती है, हम लोग कहीं ना कहीं सहम जाते हो, एकदम से टेंशन में आ जाना, डिप्रेशन में आ जाना, रोना, और कहीं ना कहीं एकदम से मेंटल स्ट्रेस ले लेना और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। तो वो व्यूवर्स आपको ऐसा नहीं करना। बस इसीलिए व्यूवर्स आपके लिए जो ये क्रिस्टल है ये आप बाय कर लेना, ये आपको बहुत मदद करेगा अपनी एंग्जाइटी से भी बाहर निकलने में, ठीक है। आपकी क्रिएटिव पावर को बढ़ा देगा, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा, ताकि आप सही तरीके से डिसीजन ले सकें, ओके। और देखते हैं क्या है आपके लिए विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये फ्यू मंथ्स जो व्यूवर्स आपके लिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। जस्टिस हो रहा व्यूवर्स यहाँ पर आपके साथ में, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो जस्टिस वाली एनर्जी है आपके लिए, सो बी रेडी। लाइफ में कहते हैं ना जैसे कि एक तरह से बैलेंस आ रहा है, लाइफ में एक तरह से सुकून मिल रहा है, ये गाइज यहाँ पे हैं आपके लिए। अगर कोई पर्सन व्यूवर्स, जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट कार्ड ही व्यूवर्स हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड का है, और यहाँ से भी कॉम्प्रोमाइज आया, तो जो लोग आपसे दूर जाने की कोशिशें कर रहे हैं, या फिर कह रही हूँ ना एज ए फैमिली हो आप, एज ए हस्बैंड वाइफ हो, या फिर इस तरह से हो, तो वो पर्सन व्यूवर्स हो सकता है कि आने वाले फर्स्ट मंथ के अंदर ही अंदर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो व्यूवर्स यहाँ पे जून जुलाई तो है ही इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जैन एंड फेब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। सेलिब्रेशन है व्यूवर्स, वही मैं कह रही हूँ ना, वही खुशी वाली एनर्जी है, लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी, हैप्पीनेस वाली एनर्जी, सनशाइन वाली एनर्जी। तो हर तरह की अबंडेंस व्यूवर्स आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में जो आपके लिए चेंज हो रहा है, और व्यूवर्स आपके लिए एक मैसेज और है कि आपको अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होना है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ गार्डनिंग वगैरह करो, या फिर कुछ पेड़ पौधे आप लोग लगाओ, या कुछ ऐसा करो व्यूवर्स जिससे कि आप अर्थ से कनेक्ट हो सको, मतलब अपने नेचर से कनेक्ट हो सको, ठीक है। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ऐसा करने से व्यूवर्स आपका जो एनर्जी दिमाग में जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहती है ना, वो भी रिलीज़ हो जाएगी, वो भी यहाँ पर है। कुछ ग्रीनरी व्यूवर्स अपने आस पास रखो, ये भी आपके लिए काफ़ी
हेल्पफुल रहेगा, स्ट्रेस से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ग्रीन एनर्जी गाइस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ग्रीन रंग कलर भी आपको काफ़ी नज़र आएगा इस 2023 के अंदर, जो एक पॉजिटिव साइन के लिए आपके साइन की तरह आपके लिए काम करेगा। ओके, अदरवाइज आप घर में जाओ तो मनी प्लांट वगैरह भी लगा सकते हो, और लाइव मनी प्लांट लगाना, ये नहीं आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं, आर्टिफिशियल प्लांट नहीं, जो कि ओरिजिनल होते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं या फिर छोड़ते हैं, जो भी करते हैं, इस तरह से भी बस आप करना अपनी लाइफ में। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, इनवाइट करो इन चेंजेस को अपनी लाइफ में, इन चीज़ों के साथ में आगे बढ़ो। और जो आपकी लाइफ में व्यूअर्स सर्वाइव नहीं कर रहा है, जो आपके लिए अब यूज़फुल नहीं है, चाहे वो आपके घर में हो या फिर आपके आपके लाइफ में हो, ठीक है, या फिर आपकी पर्सनल इशूज़ हो, उनको निकाल दो और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। सो व्यूअर्स, ये रीडिंग है आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, टिल देन हैप्पी न्यू ईयर व्यूअर्स, ऑल द बेस्ट इस नए साल के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।